थोड़ा सा ना मुझे यहाँ पे गलत मामला ज़्यादा लग रहा है, तो थोड़ा सा यहाँ पे वीक एयर को तो अकेले रात को आप यहाँ पे 10-11 बजे के बाद मत आइएगा। हमेल की स्ट्रीट है नाइट लाइफ के लिए, उसके बाहर का जो व्यू है वो है आपका, ये देखिए। और आपको यहाँ पे एक मजे की बात बताता हूँ, ये जो सिलेंडर देख रहे हो ना, ये यहाँ पे वॉशरूम है। का दोस्त रजनी, स्वागत है आपका हमारे चैनल के अंदर दोबारा से। तो इस वक्त रात के बज रहे 11 और इस टाइम मैं हॉस्टल के अंदर हूँ और मेरे हॉस्टल के अंदर लगभग सभी इस टाइम तक सो चुके हैं। वो ज़्यादा शोर तो है नहीं, आई थिंक आपको आवाज़ मेरी क्लियर आ ही रही होगी। तो अभी जो मैं वीडियो बनाने वाला हूँ वो आपकी नाइट लाइफ के ऊपर होने वाली है कि थमेल के अंदर काठमांडू में आपका जो नाइट लाइफ है वो कैसा है, बिस्कोस पब्स वगैरह वो मैं आपको इस वीडियो में दिखाने वाला हूँ। काफ़ी मज़ेदार वीडियो होने वाली है। हॉस्टल जो है अभी इस टाइम चक्कर क्या है, अभी जो सीज़न चल रहा है ना, अभी जो ये सीज़न है आपका, ये सीज़न आपका अभी ऑन सीज़न नहीं है, कोरोना के वजह से सिचुएशन ऐसी हुई, ज़्यादा टूरिस्ट वगैरह आ नहीं रहे हैं यहाँ पे। तो यहाँ पे मोस्टली जो लोकल नेपाली वगैरह हैं वो हैं, थोड़े बहुत इंडियन हैं यहाँ पे, बाकी ऑनर्स आपके उतने खास नहीं आ रहे हैं यहाँ पे, क्योंकि ठंड भी है। दूसरा यहाँ पे अभी जो सीज़न है आपका, जो सीज़न है आपका कोरोना के बाद से कभी भी अब तक वो पिकअप करा ही नहीं है, एंड आई थिंक इस हिसाब से चलता रहा तो एटलीस्ट 5-6 जो महीने उसको लग जाएंगे पिकअप होने में। तो अभी के लिए आपको हॉस्टल का थोड़ा सा व्यू देता हूँ और उसको देखिए एक बार, आपको बहुत मजा आएगा। नेपाल के बारे में काफ़ी अच्छी इन्फॉर्मेशन इस वीडियो में मिलने वाली है। एंड अगर आपको कोई भी क्वेश्चन हो और कुछ भी क्वेरी हो आपको, तो आप मुझसे बेझिझक इंस्टाग्राम पे पूछ सकते हैं, मैं आपको डेफिनेटली रिप्लाई करूँगा। और आपको पेज अच्छा लगे तो आप मुझे फॉलो भी कर सकते हैं। और अगर एक चीज़ मैंने नोटिस करी है, काफ़ी सारे लोग हमारे वीडियोज़ को देख रहे हैं लेकिन सब्सक्राइब नहीं कर रहे हैं। तो अभी नेपाल की सीरीज़ है, आने वाले टाइम में भी काफ़ी सारी सीरीज़ होने वाली है हमारी, तो उसके अंदर भी काफ़ी सारी वीडियोज आएंगी। जो आपका नाइट लाइफ है वो आपकी 11-12 बजे से मेनली स्टार्ट होती है, और आपको बाहर मैं दिखाता हूँ रात को 11-12 के बजे के बाद यहाँ की जो रोड्स होती हैं वो कैसे दिखती हैं। अभी हॉस्टल से निकलते हैं और आपको दिखाते हुए चलता हूँ यहाँ का नाइट का व्यू कैसा है। तो ये देखिए, रात को यहाँ पे इस तरीके का कुछ नज़ारा है, लगभग बिल्कुल सन्नाटा है यहाँ पे। थोड़े बहुत मेरे पीछे शराबी थे, सारी शॉप्स यहाँ पे लगभग एग्जैक्टली सारी क्लोज हो चुकी हैं, क्योंकि रात को आपके जो नाइट क्लब्स वगैरह होते हैं, पब्स वगैरह होते हैं, वो रात को खुले रहते हैं, जो आपको मैं भी आगे दिखाने वाला हूँ। और थोड़ा सा आगे चलने के बाद मुझे यहाँ पे थोड़ा सा क्राउड दिखाया अभी भी। तो भाइयों यहाँ पे बस साफा वगैरह मैंने इसलिए पहन रखा है क्योंकि यहाँ पे ठंड बड़ी ज़्यादा हो रही है, लेकिन यहाँ पे मैं एक चीज़ बोलूँगा, यहाँ पे आपका क्राउड ठीक ठाक है, लेकिन थोड़ा सा ना मुझे यहाँ पे गलत मामला ज़्यादा लग रहा है, तो थोड़ा सा यहाँ पे बी केयरफुल, यहाँ पे क्राउड थोड़ा दिक्कत वाला है, तो आपको यहाँ पे थोड़ा बी केयरफुल है। और मैं आपको रिकमेंड करूँगा, अकेले आप आ रहे हो तो अकेले रात को आप यहाँ पे 10-11 बजे के बाद मत आइएगा, एटलीस्ट 2 या 3 दोस्तों आप तभी आइएगा, वरना यहाँ पे नहीं आइए। बाकी आप पीछे का व्यू देखिए एक बार हल्का सा। और ये है पर्पल हेज क्लब जिसके अंदर हमने भी एंट्री ली, और यहाँ पे जो व्यू है बहुत ही अल्टीमेट है, बहुत ही ज़बरदस्त है। ये देखिए एटमोसफेयर है यहाँ का, बहुत ही अच्छा है, ये देखिए। और यहाँ पे भाई वो थोड़े से एग्रेसिव हो गए तो इनके लिए सिक्योरिटी जा रही होगी। और आपको यहाँ पे एक मजे की बात बताता हूँ, ये जो आप सिलेंडर देख रहे हो ना, ये यहाँ पे वॉशरूम है। Go!
दीपक कैमरामैन कैसा मजा आया? तो ये माहौल है आपका पर्पल हिल्स जो क्लब है अपना, उसके बाहर का ये आपका जो थमेल जो चौकी स्ट्रीट है नाइट लाइफ के लिए, उसके बाहर का जो व्यू है वो है आपका ये, जहाँ पे ये काफ़ी हैपनिंग है। ये देखिए यहाँ पे रात के 1-2 बजे भी आपके जो गर्ल्स वगैरह हैं वो आपको घूमते हुए यहाँ पे दिख जाएंगे। तो भाई लोगों अभी बच चुके हैं रात के 2 और मैं आपके क्लब से जो है बाहर आ चुका हूँ और यहाँ पे ठंड अभी काफ़ी ज़्यादा हो चुकी है। और आपको क्लब के बारे में ना एक चीज़ बता दूँ जो मुझे बताना काफ़ी इंपॉर्टेंट है, यहाँ पे हर क्लब में स्कैम भी होते हैं। यहाँ पे आपके जो लोकल गर्ल्स वगैरह हैं वो आपको अप्रोच करेंगी और आपसे बोलेंगी कि मतलब मुझे ड्रिंक करना है, ये करना है, आप खुश हो जाओगे कि आपको किसी ने अप्रोच करा। लेकिन मैं आपको एक बात बोलूँगा, उनके जैसे में मत आना, काफ़ी ज़्यादा मेरे को एक्सपीरियंस हो चुका है और मैं काफ़ी जगहों पे ट्रैवल ऑलरेडी कर चुका हूँ, थाईलैंड हो, कजाकिस्तान हो, यूक्रेन हो और भी काफ़ी जगह हैं, लेकिन वहाँ पे भी सेम टैक्टिक्स अपनाई जाती है। जो सिंगल मेल होते हैं उनको वो अप्रोच करती हैं और वहाँ पे आपका मामला जो है ख़राब हो जाता है। 3-4 हज़ार 5 हज़ार नेपाली रुपीज़ का खर्चा करवाएगी और उसमें से 1000-2000 रुपये कमीशन होता है, बाकी जो है क्लब या बार को चला जाता है। तो मैं आपको यही रिकमेंड करूँगा, उन चीज़ों पर मत जाइए, अपना खाइए पिए, डांस वगैरह करिए, इन्जॉय करिए रात को। नाइट लाइफ थोड़ा बहुत ठीक है, अपना डांस वगैरह हो गया, क्लब वगैरह आपका अच्छा है काठमांडू में, आप नाइट लाइफ के लिए 1-2 दिन निकाल सकते हैं यहाँ पे और आराम से वहाँ पे आप इन्जॉय कर सकते हैं। तो मुझे इस चीज़ में कोई दिक्कत लगी नहीं, लेकिन थोड़ा सा आपको ना अलर्ट रहने की ज़रूरत है कि आप कुछ भी गलत एक्टिविटी ना करें यहाँ पे, ठीक है। तो स्कैम वगैरह काठमांडू में आपके अच्छे खासे होते हैं, तो मैं आपको रिकमेंड करूंगा आप इन सब चीज़ों में ना पड़े और आप थोड़ा सा इनसे दूर रहें। अगर आपको कोई भी क्लब या बार के अंदर कोई भी अप्रोच करे तो उसको आप सीरियसली मत लीजिए, ठीक है, उसको इग्नोर करिए। बाकी आपको यहाँ पे बहुत मज़ा आने वाला है, बहुत ही अच्छा जगह एटमोसफेयर वगैरह है, लेकिन थोड़ा सा आपको अलर्ट रहने की आवश्यकता है। और अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा और अगर आपके मन में कोई भी क्वेश्चन हो, कोई भी क्वेरी हो, तो आप मुझे इंस्टाग्राम पे जो आपके स्क्रीन पर रिफ्लेक्ट कर रहा होगा, मेरा भी और राज का भी वो इस ट्रिप में नहीं आ पाया, लेकिन होपफुली वो नेक्स्ट ट्रिप में ज़रूर आएगा, ठीक है। तो आप हमको फॉलो कर सकते हैं अगर आपको प्रोफाइल पसंद आई हो, और अगर आपको कोई भी क्वेरी हो, क्वेश्चन हो, तो आप उसको मुझे DM कर सकते हैं, मैं आपको डेफिनेटली उस चीज़ का रिप्लाई करूँगा। तो अभी हम चलते हैं अपने हॉस्टल की तरफ और इस वीडियो को यहीं पर ख़त्म करते हैं। तो तब तक के लिए गुड बाय दोस्तों, अब हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में।